नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। पलामू की धरती पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन, गौरव की बात। पुलिस अधीक्षक, इस वर्ष 10 कलाकारों को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने हेतु ख्याल सम्राट पंडित राम रक्षा मिश्र मेमोरियल अवार्ड स्मृति चिन्ह शॉल एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय देवरानी संगीत महाविद्यालय बेटमा डालटनगंज में भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक व पलामू संगीत जगत के स्तंभ माने जाने वाले ख्याल सम्राट स्वर्गीय पंडित राम रक्षा मिश्र की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मरण उत्सव संगीत संध्या कार्यक्रम आराधना मनाई गई। इस अवसर पर बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा चिर स्मरणीय संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वर्गीय पंडित राम रक्षा मिश्र संगीत क्षेत्र में डाल्टनगंज की एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी, जिनकी प्रेरणा छांव में आज भी सैकड़ों कलाकार पुष्पित होकर अपनी सुरभि बिखेर रहे हैं। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित एसपी पलामू श्री चंदन कुमार सिन्हा, डीएसपी श्री सुरजीत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश शाह, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र डाल्टनगंज की कार्यक्रम प्रमुख मैरी क्लोडिया सोरेन, प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र, समाज सेवी ब्रजेश शुक्ला, अधिवक्ता किशोर पांडे, लोक कला सांगतिक मंच के अध्यक्ष श्री शिशिर शुक्ला, दुर्गा जौहरी, गुरवीर सिंह एवं देवरानी संगीत महाविद्यालय के निदेशक पंडित राजा राम मिश्र के द्वारा संगीत संध्या कार्यक्रम का प्रारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं श्रोताओं के द्वारा स्वर्गीय पंडित मिश्र की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि की गई। देवरानी संगीत महाविद्यालय के निदेशक पंडित राजा राम मिश्र और उनके पुत्र इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सूरज कुमार मिश्र ने पुष्प गुच्छ भेंट कर कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर चीनिया रोड नाहर चौक कड़वा, यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चे दानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।